क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। ए बिजनेस मैन परचेज्ड ऑन 25 जनवरी 2017 हॉर्स फॉर ₹8,000 एंड कार्ट फॉर ₹12,000 टू कन्वेंटली सप्लाई द गुड्स टू हिज कस्टमर। ऑन 31 जनवरी 2017 द हॉर्स डाइड एंड ₹1,200 वॉज रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इट्स हाइड। इंटरेस्ट ऑब्जेक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल। भाई सबसे पहले क्या करो, बिजनेसमैन ने 25 जनवरी के दिन एक हॉर्स, हॉर्स मींस घोड़ा है ना, और एक कार्ड फॉर ₹12,000 यानी गाड़ी ₹12,000 में क्या करी, परचेस करी ताकि ग्राहकों को माल पहुंचाने में सुविधा हो। 31 जनवरी 2017 को हॉर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई, क्या हो गई, डेथ हो गई एंड 1200 वाज रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इट्स हाइड। और उसका जो ढांचा था वो मर गया था, उसको जो मरने के बाद उसको जो बेचने से आपको कितना रुपया मिल गया, ₹1200 मिला। इंटर दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। सबसे पहले जर्नल एंट्री कैसे होगी, पहले आपको हेडिंग डालेंगे आप जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कोई पार्टी का नाम नहीं दिया है तो नहीं लिखी है, कॉलम बना लीजिए, कॉलम आपको एक दो बार बता दिया बनाने, उसके बाद इसे आपको ही बनाना चाहिए। ये हमारे कॉलम हो गए जर्नल एंट्री। फर्स्ट कॉलम के अंदर डेट, फिर पर्टिकुलर एलिफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये कॉलम आपके लिए रहेंगे डेट। फर्स्ट कॉलम होता है जर्नल एंट्री का जो कॉलम होता है पहला डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, इधर एलिफ, एलिफ का मतलब होता है लेजर फॉलोइंग नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। आप चाहें तो अमाउंट न लिखे, उसकी जगह रुपीज का साइन भी बना सकते हैं। हमारी फर्स्ट यहां पर जो एंट्री बना है 2017 जनवरी 25। अब इसने यहां पर क्या बोला, बिजनेस में परचेज हॉर्स एंड कार्ट, यानी उसने हॉर्स और कार्ट को परचेस किया है। किससे परचेस किया, नाम नहीं दिया, इसका मतलब कैश में परचेस किया है। तो यहां पर तीन अकाउंट हो गए, हॉर्स कार्ड और एक पेज, तीनों रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन इज डेबिट गोज आउट इज क्रेडिट, मतलब जो उसको व्यापार में आते हो डेबिट होते हो, जो जाती हो क्रेडिट। तो हमने घोड़ा एक हॉर्स और एक कार्ड परचेस करी तो दोनों बिजनेस पर, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, डेबिट। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हॉर्स अकाउंट डेबिट, हॉर्स अकाउंट डेबिट, कार्ड में परचेस करिए कार्ड अकाउंट डेबिट। हमने इन दोनों को क्यों डेबिट किया, क्योंकि दोनों बिजनेस के अंदर आ रहे हैं व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो ये दोनों हॉर्स एंड कार्ड कम्स इन, इसलिए क्या हुआ डेबिट, इन दोनों को डेबिट करेंगे एंड कैश गोज आउट, क्योंकि हम परचेस करेंगे तो कैश कम्स इन या गोज आउट, तो ये बाजार जाएंगे। हमने घोड़ा खरीदा तो हमारे पास कैश आएगा कि जाएगा, जा रहा तो कैश जा रहा, तो इसलिए कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फिर आप नरेशन लिख रहे हैं बिंग हॉर्स, वैसे हॉर्स भी लिखना चाहिए हमेशा, हॉर्स की जगह लाइव शो का यूज करते हैं, यूज करते हैं भाई, आपने घोड़ा खरीदा, हम लाइव शो के अंदर बिजनेस के अंदर कोई हिस्सा भी जाओ, अगर वो जीवित है तो उसके लिए काय का यूज करेंगे, लाइव शो का। तो हॉर्स अगर लिखा तो मैं भी कर दूंगा ना, तो हॉर्स की जगह काय का यूज करना, लाइव शो का यूज करिए। तो लाइव शो के अकाउंट लेते कार्ड अकाउंट लेते टू कैश अकाउंट, नरेशन में जरूर लिख दीजिएगा बिंग हॉर्स एंड कार्ड परचेज, बिंग हॉर्स एंड कार्ड परचेज फॉर कैश, यानी हमने घोड़ा और गाड़ी नगद में खरीदा। कितने का खरीदा था भाई, हमने हॉर्स खरीदा ₹8,000 और गाड़ी कितने की खरीदी है, 12,000 की, टोटल 20,000 आपके पास में से पेमेंट गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री बोल रहा है दिसंबर जनवरी 31 को, जनवरी 31 बोला, तो जनवरी 31 के दिन ये बोल रहा है कि घोड़े की डेथ हो गई, घोड़ा भगवान को प्यारा हो गया, घोड़े की डेथ, घोड़ा मर गई, लेकिन उसकी हाइट से उसकी बॉडी को बेचने से फिर भी कितने रुपए मिल रहे हैं, 1200, कितना मिल रहा है 1200, फिर मतलब कैश आ रहा है और जो आता वो क्या होता है डेबिट। अब 8,000 रुपए के घोड़े से केवल 1200 रुपए मिल रहे हैं,
यानी 6800 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस भी क्या होता है, डेबिट। और लॉस को भी हम डेबिट कर रहे हैं, यहां लिखेंगे लॉस ऑफ लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, घोड़ा गया, हम घोड़े के लिए क्या लिखते हैं, टू लाइव स्टॉक। तो घोड़ा हमारा था 8000 रुपए का, घोड़े मर गया, उसकी डेट हो गई, उसकी बोली या उसकी खाल वाल जो भी बेचने से कितने रुपए मिल जाए, 1200 रुपए मिल गए। तो 6800 रुपए जो कम मिले वो क्या हो गया, 200 रुपए। तो मैंने यहाँ कैश को क्यों डेबिट किया, क्योंकि कैश आया, लॉस को डेबिट हुआ क्योंकि घोड़े को बेचने से लॉस हुआ। नियम है नॉमिनल अकाउंट का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो लॉस भी क्या होता है, डेबिट होता है। और घोड़ा लाइव स्टॉक रियल अकाउंट है, कम सीन होता तो डेबिट होता, वो सब का घोड़ा गया तो घोड़े को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 8000 रुपए हो गए, इसका नेशन लिख देंगे बिन कैश, आपको कैश मिला तो लिखो कैश रिसीव्ड, और आप उनको क्या बोलते हैं, रिसीव्ड, बिन कैश रिसीव्ड एंड लॉस ऑफ लाइव स्टॉक, लॉस ऑफ लाइव स्टॉक। तो ये क्वेश्चन था हमारा, दो चैनल ले रही थी, फिर आप इसका टोटल लगा दें, इधर का टोटल आपका 28000, इधर का भी टोटल 28000, टोटल लिखने पर हमेशा डबल लाइन लिखना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आपका बना, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको सुनिएगा। सबसे पहले बिजनेसमैन ने हॉर्स परचेस किया है, घोड़ा खरीदा है, तो जब भी हम हॉर्स खरीदे या बिजनेस के लिए कोई और अदर जानवर अगर यूज में आ रहा है तो हम हॉर्स ही लिखेंगे, उसकी जगह लाइव स्टॉक लिखेंगे, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। गाड़ी भी परचेस किया तो गाड़ी भी कम सी से कार्ड अकाउंट डेबिट, और कैश में परचेस किया तो कैश जाएगा, व्हाट वाज ऑफ स्पेंड तो कैश में क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। बी हॉर्स एंड कार्ड परचेज फॉर कैश। सेकंड एंट्री थी कि 31 जनवरी के दिन हॉर्स की डेथ हो गई, और इसकी जो हाइट है, जो शरीर था, उसको डांस को बेचते समय 1200 रुपए मिले, मिल रहे मतलब कैश है, तो कैश को दे 1200। अब 8000 रुपए के घोड़े से हमें 1200 ही मिले, तो 6800 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस भी डेबिट होता है, तो लॉस ऑफ लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 6800, और हमारे पास से घोड़ा गया तो 2 लाइव स्टॉक 8000, बीइंग कैश रिसीव्ड है लॉस ऑफ लाइव स्टॉक, लिख दिया टोटल लगा देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।